अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वरा दानिश और मैं मौजूद हूँ आज एक ज़बरदस्त एक्साइटिंग वीडियो के साथ जो कि बच्चों को एक स्किल सिखाने के बारे में है। और मैंने आज अपने बेटे को सिखाने की कोशिश की कि किस तरह वो अपने शू लेसेस टाई करेगा। इस प्रोसेस पे मुझे बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। एक्चुअली आई एम अ लेफ्ट हैंडर और मेरे बच्चे माशाल्लाह अकेली बोथ आर राइट हैंडर, तो मेरे अंदर मतलब मुझे उनको कुछ स्किल्स सिखाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और मैंने कोशिश की कि उनको किस तरीके से सिखाई जाए, बहुत सारे होमवर्क, बहुत ज़्यादा अपने आप को मुझे रिलैक्स करने के बाद में इस काबिल हो सकी। मुझ में ये हिम्मत आई कि मैं अपने बच्चों को किस तरह एक शू लेस टाई करना सिखाऊं। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया था, लेकिन मैंने नहीं मैसेज नहीं सिखा पाई थी। और मैंने अब कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इट टुक ओनली 15 मिनट्स फॉर मी फॉर हिम टू लर्न टू टाई शू लेस। और इस फैक्ट के बाद भी बावजूद कि उसके और मेरे हाथों की जो मूवमेंट थी वो डिफरेंट थी, माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी पिकअप किया। और मैं ये वीडियो, ये स्ट्रगल, एक कोशिश ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें जो इस बात के लिए अभी कॉन्फिडेंस अपना डेवलप नहीं कर पाए, उनको लगता है कि उनका बच्चा शू लेस टाई करने के लिए बहुत छोटा है। बताती चलूं कि मेरा बच्चा अभी तकरीबन 6 साल का है और अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में उसने बहुत जल्दी, बहुत आराम से उसने शू लेस टाई करना सीख लिया। मैं क्या बताया इसमें? ऐसे ऐसे फिर यूं घुमा के लाना और यूं करके इसको खींच ले। इसको घुमाया, इसको यूं घुमाया, इसके ऊपर डाला और नीचे से यूं पकड़ा। यहां से आपने यूं डाला ना इसको, अब इसको नीचे से निकाल दो। इधर से गिर गई, बहुत अच्छा है। और इसको खींच लो इसे। शू उतारो, पहले पूरा करीब पहुंच गए हो। एक और ट्राई करेंगे, ठीक है? ये नॉट आ गई आपको लगानी, इसको ऐसे पकड़ो। इधर देखो, इधर देखो, इसको नॉट लग गई है, इसको ऐसे पकड़ के यूं करना है। कैसे करोगे? ये हाथ यहाँ रखना है और इसको अपने हिसाब से जितना बड़ा इसका विंग रखना है उतना बड़ा, फिर उसके बाद घुमा के चोटे ने यार नीचे से लेके और हाँ।
ऐसे ही हम डबल लेस से बनाएंगे ये यूं, और ये यूं बना ली टू बटरफ्लाइज के ऊपर से गुजार के। आई समझ में? थर्मोमीटर। लगी नॉट? नहीं लगी नॉट? सही नहीं, सही दूसरी तरफ से। हाँ ये निकालो। वाह, ये सही है ना? ये तो ऐसे ही होता है। चलो एक और दफा करेंगे। ये जबरदस्त। मेरी मेहनत का फायदा उठा रही है। मैं आपकी लगन का फायदा उठा रही हूँ। जी तो जनाब, दिस वॉज द फुटेज। वो वीडियो और वो प्रोसेस था जो कि फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद मैंने दिखाया, लोगों ने देखा और आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे बेटे को थम्स अप दें और मुझे भी दें, और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। मेरे भी हिम्मत पड़ेगी कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ एज अ मदर, और हो सकता है इससे दूसरे पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत एक मोटिवेशन मिल सके। अगली वीडियो के लिए मुझे जाने दीजिए। बाय बाय।